संस्कृति में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देश रंगीला रंगीला कार्यक्रम में जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं या ले रहा है वो कृपया मंच पे आए और सभी उसको पहचानने की कोशिश करिएगा कि ये छात्र कौन है, ये छात्र कौन है। देश रंगीला की बहुत प्रस्तुति, तालियां तालियां चाहिए सभी बच्चे। जो बच्चे बच्ची ये बात सोचते हैं, लड़का के लिए सरकारी बच्ची बोल के गई थी कि बेटों का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हे प्यारे भगवान बता दे बेटी का इंसान है। आपके गांव में राजस्व गांव है, पहले आठवीं तक का स्कूल था, हमने पहले तीन प्रोग्राम किए थे, काफी कुछ हमने बदलने की कोशिश की थी, कुछ शिकायतें भी आई। ये जो इस साइड वाली प्रतीति है छोटी वाली, इसमें गांव में काफी भरपूर सहयोग मिला है। आर एस जानदाता है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और कुछ विद्यालय विकास से हमने उठाया और ये गोभी आपके सामने लगाए। आगे भी हमारा प्लान था एक फूल बगीचा बनाने का, शिकायत ये आई कि मार्शा नर्सरी बना छोड़ो वाले, मार्शा नर्सरी बनाए छोड़ो वाले, नर्सरी को नहीं बनावा, फूल रहता है कच्चा और वो सुंदर तब तक लगता है जब तक वो पौधे से लगा रहता है। अगर आपने उस फूल को तोड़ लिया तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। तो पौधे और आपके बच्चे इस स्कूल की शोभा है। हमारा विचार था कि एक पुष्प वाटिका इसमें बन जाए, हमने तार बंदी कर दिए और खंभे लगा दिए हैं, लेकिन फिर कुछ शिकायतें आई तो हमारा मन थोड़ा मायूस हुआ। आशा हमने छोड़ी नहीं, आशा है कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे
और ये छोटा सा काम, एक छोटी सी बात एक अपने को बनानी है। सुंदरता स्थायी नहीं रहती है, आती जाती रहती है, पतझड़ आता है, बारिश आती है। Thank you.